Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंगस और उसके अंदर जितने भी सब ग्रुप्स हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पार्ट फिफ्थ वीडियो है और अगर आपने पहले की फोर वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किंगडम फंगस का पूरा इंट्रोडक्शन कि किंगडम फंगस का नेचर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन फंगस। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिप्रोडक्शन इन फंगस आप एक्सप्लेन करो। तो रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंगस वेजिटेटिव मीन से भी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। तो फंगस वेजिटेटिवली डिवाइड होती है बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, दैट इज कोनिडिया और स्पोरांजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ये इनको हम कहते हैं कोनिडिया, स्पोरांजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाय डिफरेंट स्पोर्स, दैट इज ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। तो ये जो डिफरेंट नाम है हम जो डिफरेंट ग्रुप्स अभी पढ़ेंगे फंगस के, हम उसमें देखेंगे कि एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एस्कोमाइसाइट्स में, दैट इज फंगस का हमारा ग्रुप है। बेसिडियोमाइसाइट्स डिफरेंट फंगस का ग्रुप है जो बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपके स्पोर्स हो गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वेजिटेटिवली ये फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बर्डिंग से डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ये जितने भी स्पोर्स हैं, ऑब्वियसली जैसे गैमीट्स हैं वो स्पेसिफिक ऑर्गन में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ओवा है विच इट विल बी प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरीज, स्पर्म है इट विल बी प्रोड्यूस इनसाइड द टेस्टिस। तो वैसे ही जो स्पोर्स हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज में। अब इन फ्रूटिंग बॉडीज का नाम भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या वो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एस्कोस्पोर्स और एस्कस, ये सभी क्या है आपके डिफरेंट स्पोर्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं एक फ्रूटिंग बॉडी में। तो सेक्सुअल साइकिल जो है फंगस की उसमें मेजरली थ्री स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म मींस लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल। तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनली हैं, साइटोप्लाज्म है, दे कंस्टिट्यूट द प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है दो गैमीट्स के बीच में जो कि मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल गैमीट्स भी हो सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। अब जब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया है, अब उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियस का फ्यूजन। तो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोगेमी। तो कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है? तो कैरियोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस फ्यूज होके हमारे पास डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है। अब इस डिप्लॉइड जाइगोट में क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शन होगा मियोसिस में और हमारे पास हेप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट इज व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो अब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में हमने तीन स्टेप्स देखे, अब उसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब क्या होगा? जो दो हेप्लॉइड हाइफे हैं, मींस कंपैटिबल मेटिंग टाइप जो दो हेप्लॉइड हाइफे हैं, वो फ्यूज होंगे और डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करेंगे। तो फ्यूजन ऑफ टू हेप्लॉइड सेल या टू हेप्लॉइड हाइफे इमीडिएटली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड सेल्स, दैट इज 2N। अब हेप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स क्या हैं वो समझते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमारी बॉडी दो टाइप ऑफ सेल से बनी है, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल। सोमैटिक सेल्स मतलब जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, सारे ऑर्गन्स बने हैं, ठीक है। जर्म सेल्स मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल्स, दैट इज स्पर्म एंड ओवम। तो जो हमारे जितने सोमैटिक सेल्स हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम है 23 पेयर्स या फिर 46 क्रोमोजोम्स। तो 46 क्रोमोजोम्स किस में प्रेजेंट है? सोमैटिक सेल्स में। तो वो सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉइड हैं। और हमारे पास जो गैमीट्स हैं, दैट इज जर्म सेल्स हैं, वो है हेप्लॉइड, क्योंकि उसमें कितने क्रोमोजोम प्रेजेंट हैं? 23।
तो आपके पास सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम है और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है जर्म सेल्स में, दैट इज 23 क्रोमोसोम्स। तो हमारे जर्म सेल्स कैसे हैं? हेप्लॉइड सेल्स हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, विच इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस। और हमारे डिप्लॉइड सेल्स दैट इज सोमैटिक सेल्स, उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं एंड दे आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। तो अब क्या होता है, कुछ फंगस जैसे कि एस्कोमाइसाइट्स एंड बेसिडियोमाइसाइट्स, इनमें हेप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल्स बनने के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है। इस इंटरविनिंग स्टेज को हम क्या कहते हैं? डाइकैरियोटिक स्टेज, जिसमें NN दो न्यूक्लियस जो कि हेप्लॉइड न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज होते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट कंडीशन है, ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है, इसे हम कहते हैं डाइकैरियन फेज ऑफ फंगस। तो वो जो डाई जो न्यूक्लियस है, जो दो न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं हेप्लॉइड, दैट इज डाइकैरियन। डाई मीन्स टू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो आपका दो हेप्लॉइड हाइफे फ्यूज हुए, दो सेल्स फ्यूज होके डिप्लॉइड सेल्स बनाए। अब ये डिप्लॉइड सेल्स और हेप्लॉइड सेल्स के बीच में जो इंटरविनिंग स्टेज है, दैट इज डाइकैरियन फेज या डाइकैरियन। तो अब आपका जो पेरेंटल न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होके डिप्लॉइड बना, और जो आपका डिप्लॉइड सेल्स है, दिस डिप्लॉइड सेल्स या जो आपका डिप्लॉइड जाइगोट है, इट विल अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज मियोसिस, और फिर वो प्रोड्यूस करेगा हेप्लॉइड स्पोर्स। तो ये हेप्लॉइड स्पोर्स फर्दर फंगस की जो बॉडी है या जो फंगस ऑर्गेनिजम्स हैं वो फर्दर प्रोड्यूस करेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस। तो किंगडम फंगस में हमारे पास फोर टाइप्स हैं, फाइकोमाइसाइट्स, एस्कोमाइसाइट्स, बेसिडियोमाइसाइट्स एंड ड्यूट्रोमाइसाइट्स। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसाइट्स। तो फाइकोमाइसाइट्स वो मेंबर्स हैं फंगस के जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में आपको मिलेंगे, और डेड एंड डिकेइंग वुड, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो फंगस हैं वो कैसे हैं, हेटरोट्रॉपिक हैं, सैप्रोफाइट्स इन नेचर हैं आपके, पैरासिटिक हैं। तो ऑब्वियसली हमें ये ऐसे हैबिटेट में मिलेंगे, एंड दे लाइक टू ग्रो इन ह्यूमिड प्लेसेस, प्लस दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये टर्म को समझना इंपॉर्टेंट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स आर दोस पैरासाइट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको होस्ट की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि प्लाज्मोडियम का हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो मलेरियल लाइफ साइकिल तभी कंप्लीट होगी जब दोनों होस्ट प्रेजेंट होंगे, फीमेल एनोफिलीज भी और ह्यूमन होस्ट भी या कोई और मेमेलियन होस्ट। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है वायरस। तो अभी हम देख सकते हैं जो भी वायरसेस की जितनी भी हमारे पास स्ट्रेन्स हैं, उन्हें होस्ट की ज़रूरत होती है टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, क्योंकि हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे कि वायरस इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो उन्हें हमेशा होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो होस्ट की मशीनरी को यूज़ करता है टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, टू रिप्रोड्यूस, टू क्रिएट मोर प्रोजनी। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट अपने होस्ट पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं, अगर उनका होस्ट को कुछ हो गया तो वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो विदाउट द होस्ट दे आर अनेबल टू सर्वाइव। अब जितने भी हमारे फंगस हम चार पढ़ने वाले हैं, तो आपको इन चारों की चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर याद रखनी है, और वो कौन से बेसिस पे आप उन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट आपका हो गया हैबिटेट, कि वो कैसे हैबिटेट में है। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट है, एसेप्टेट है, ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। प्लस फिफ्थ जो है, दैट इज आपका एग्जांपल। तो कभी भी आपको टाइप्स ऑफ फंगस में डिफरेंस पूछा जाता है या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं, तो ये चार पॉइंट प्लस फिफ्थ पॉइंट एग्जांपल आपको जरूर लिखना है। हैबिटेट लिखना है, माइसीलियम कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लस आपका फिफ्थ इज एग्जांपल। तो ये आपकी प्रॉपरली एक आंसर फॉर्म करेगा, जिसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, या फिर अगर आपको डिफरेंस में पूछा जाता है तब भी आप ये चार पॉइंट जरूर एक्सप्लेन करेंगे, जैसा कि हम इस वीडियो में भी पढ़ने वाले हैं। फाइकोमाइसाइट्स में हमने पढ़ा कि ये कैसे हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, डेड एंड डिकेइंग वुड पे ग्रो करते हैं, एंड दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन है, विच आर डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट, एंड विदाउट देयर होस्ट दे कैन नॉट सर्वाइव, दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल।
माइसीलियम कैसा है? माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सीनोसाइटिक। तो ये सीनोसाइटिक हाइफे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, एसेप्टेट भी। इसे यहाँ रिवाइज करते हैं, एसेप्टेट और सेप्टेट हाइफे क्या है। एसेप्टेट माइसीलियम मीन्स विच आर नॉट डिवाइडेड। मैंने आपको बताया था हाइफे क्या है, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, दैट इज सीनोसाइटिक हाइफे। तो आपका जो एसेप्टेट है उसमें कोई पार्टीशन नहीं है न्यूक्लियस के बीच में, बट सेप्टेट हाइफे में सभी इंडिविजुअल सेल्स सेपरेटेड हैं बाय सम पार्टीशन। तो एसेप्टेट और सेप्टेट हाइफे का मतलब ये है कि एसेप्टेट हाइफे में कोई सेपरेशन नहीं है, न्यूक्लियस आर स्प्रेड थ्रू आउट द हाइफे, एंड सेप्टेट हाइफे में प्रॉपरली इंडिविजुअल सेल्स में सेपरेशन है, पार्टीशन है। तो यहाँ माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट एंड सीनोसाइटिक। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय जूस्पोर्स विच आर मोटाइल और बाय एप्लानोस्पोर्स विच आर नॉन मोटाइल। तो आपको एंट्रेंसेस में भी ये पूछा जाता है कि कौन से इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो कि मोटाइल हैं या नॉन मोटाइल हैं। तो मोटाइल इज जूस्पोर्स, नॉन मोटाइल इज एप्लानोस्पोर्स। तो स्पोर्स हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि स्पोर्स जो हैं वो किसी फ्रूटिंग बॉडीज में प्रोड्यूस होंगे। तो इट इज प्रोड्यूस एंडोजेनसली इन स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम आपका स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जो स्पोर्स है जब उनका फ्यूजन होगा तो जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो जाइगोस्पोर क्या है, रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अब गैमेट्स दो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी शो कर सकते हैं या फिर वो सिमिलर होंगे। उन्हें ऐसे गैमेट्स जो सिमिलर हैं मॉर्फोलॉजिकली उन्हें हम कहते हैं आइसोगैमस। तो आइसोगैमस, एनिसोगैमस, इनके बारे में 12th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है उनकी वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसमें देख सकते हैं इसका मतलब। आइसोगैमस ऐसे गैमीट्स होते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, जैसे क्लमाइडोमोनास। और एनिसोगैमस या ऊगैमस ऐसे गैमीट्स हैं विच आर डिससिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, जैसे कि ह्यूमन के केस में स्पर्म और ओवम मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं, ओवम इज लार्जर देन स्पर्म। अब इनके एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, एल्ब्यूगो जो कि एक पैरासिटिक फंगस है, ऑन मस्टर्ड। तो इनिशियली इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि जो वाइट स्पॉट्स हैं पैरासिटिक जो फंगस है वो प्लांट में, अभी पिक्चर भी हम उसकी देखते हैं। तो फाइकोमाइसाइट के एग्जाम्पल हैं आपके राइजोपस, एल्ब्यूगो जो कि एक पैरासिटिक फंगस है, एंड म्यूकोर। नेक्स्ट इज एस्कोमाइसाइट्स। तो एस्कोमाइसाइट्स को हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम इज सैक फंगाई। तो सैक फंगाई ये कैसे हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट जो कि हमारी यूनिसेलुलर फंगस है, इसका साइंटिफिक नेम इज सैक्रोमाइसिस सेरिविएसी। तो एस्कोमाइसेट हमारे सेप्रोफाइटिक इन नेचर हैं, डीकम्पोजर्स हैं, पैरासिटिक हैं, और कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मीन्स ग्रोइंग ऑन डंग, जैसे कि जो काउ डंग है उन पे भी ये, या किसी भी एनिमल डंग पे ये ग्रो करते हैं एस्कोमाइसाइट्स। माइसीलियम कैसा है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। अभी हमने देखा फाइकोमाइसाइट में कैसा था, एसेप्टेट था हमारा माइसीलियम, यहाँ कैसा है, ब्रांच्ड है एंड सेप्टेट माइसीलियम है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। तो कोनिडिया प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोस्पोर्स। जैसे उसमें हमने देखा एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इनसाइड द स्पोरेंजियम, तो यहाँ जो स्पोर्स हैं दैट इज कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड इन कोनिडियोस्पोर्स, जो कि हमारा स्ट्रक्चर है जहाँ ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। कोनिडिया जर्मिनेट होते हैं टू प्रोड्यूस माइसीलियम, तो वो न्यू फंगस को ग्रो करेंगे। सेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स इज एस्कोस्पोर्स, जैसा कि आपने फर्स्ट आपको स्लाइड में दिखाया एस्कोस्पोर्स, उसके अंदर एस्कस जो आपके हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है कि एस्कोमाइसाइट्स में सेक्सुअल स्पोर्स को हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जो कि एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द सैक, विच इज एस्के या फिर एस्कस सिंगुलर फॉर्म। तो दे आर अरेंज्ड इन द एस्कस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी नोन एज एस्कोकार्प्स। तो एक बार आपको डायग्राम फिर से दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट स्लाइड में हमने डायग्राम भी देखा था, ये हमारे एस्कोस्पोर जो एस्कस इस तरह से अरेंज्ड है। तो इसका एग्जाम्पल है एस्पर्गिलस, क्लेविकस एंड न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा आपके बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में काफ़ी यूज होती है। इसके अलावा मेंबर्स हैं मॉरल्स एंड ट्रफल्स, जो कि एडिबल फॉर्म हैं
इस फंगस के, तो आपने देखा इस फंगस में ये कैसी हैं, सैप्रोफाइटिक, डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक या फिर कॉप्रोफिलस। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर्स क्या है, कॉनिडिया, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं कॉनिडियोस्पोर्स में। सेक्सुअल स्पोर्स हैं एस्कोस्पोर्स, विच आर प्रोड्यूस्ड इन द फ्रूटिंग बॉडी नोन एज एस्कोकार्प्स। एग्जाम्पल इज एस्पर्गिलस एंड क्लेविकस और न्यूरोस्पोरा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एस्कोमाइसाइट के एग्जाम्पल, दैट इज क्लेविकस, एस्पर्गिलस एंड एगारिकस। तो ये जो आपका डायग्राम है, ये बेसिडियोमाइसाइट का एग्जाम्पल है, दैट इज यूस्टिलैगो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसाइट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसाइट्स। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसाइट्स आर मशरूम, ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल्स। तो बेसिडियोमाइसाइट्स का एग्जाम्पल था यूस्टिलैगो स्मट, जो कि हमने प्रीवियसली अभी पिक्चर में देखा। तो बेसिडियोमाइसाइट्स ग्रो होते हैं सॉइल में, ऑन लॉग्स, ट्री स्टम्स एंड इन प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, जैसे कि वो रस्ट एंड स्मट। जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था किंगडम फंगाई का, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था वीट रस्ट कॉजिंग पिसिनिया, तो ये आपकी बेसिडियोमाइसाइट्स थे, दैट इज रस्ट फंगस। तो यहाँ पे माइसीलियम कैसा है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट माइसीलियम है। एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे नहीं है, बट वेजिटेटिवली ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, बट प्लाज्मोगैमी इसमें कैसे होती है, ब्रॉट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स या फिर जीनोटाइप। तो जो दो सोमैटिक सेल्स हैं या दो सेल्स जिनके पास डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल है, उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है तो प्लाज्मोगैमी होती है, और रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है दैट इज बेसिडियम। तो जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर है आपका, जो गिव राइज करता है बेसिडियम को, तो क्या उसके बाद प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होता है सेक्सुअल साइकिल में, कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस। तो कैरियोगैमी होगा, मियोसिस होगा इनसाइड द बेसिडियम, और इनसाइड द बेसिडियम होगा तो आपके स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे एंड दो स्पोर्स आर नोन एज बेसिडियोस्पोर्स। तो बेसिडियोस्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, बेसिडियम में। तो वो जो आपका स्ट्रक्चर है फ्रूटिंग बॉडीज इज बेसिडियोकार्प, जैसा हमने एस्कोमाइसाइट में देखा एस्कोकार्प्स हमारे फ्रूटिंग बॉडीज है जिनके अंदर आपके एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो वैसे ही बेसिडियम के अंदर आपके बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं, फोर बेसिडियोस्पोर्स, और जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका नाम है बेसिडियोकार्प। तो आपकी कॉमन फंगस इज एगारिकस, दैट इज मशरूम, यूस्टिलैगो जो कि स्मट या पसीनिया जिसे हम कहते हैं रस्ट फंगस। तो बेसिडियम में एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ वेजिटेटिव मीन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एंड देयर माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपका है मशरूम। जो लास्ट टाइप है आपका फंगस का, दैट इज ड्यूट्रोमाइसाइट। तो ड्यूट्रोमाइसाइट को हम इम्परफेक्ट फंगाई भी कहते हैं, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंगस इज नोन। तो यहाँ बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें थी कि ड्यूट्रोमाइसाइट में जो भी फंगस है इन्हें किस में पुट किया जाए, एस्कोमाइसाइट्स में डाला जाए या बेसिडियोमाइसाइट्स में डाला जाए, क्योंकि इनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट जब इनके बारे में प्रॉपर स्टेजेस के बारे में पता लगा, तो हमने ड्यूट्रोमाइसाइट एक कॉमन अलग ग्रुप बनाया अंडर फंगाई किंगडम। तो ड्यूट्रोमाइसाइट रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। तो एसेक्सुअल स्पोर्स से ये प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कोनिडिया। इनमें माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, और इनमें जो मेंबर्स हैं वो सैप्रोफाइट्स हैं या पैरासिटिक हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो आप देख सकते हो कि फंगस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स हैं जो हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में। तो इसका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कोलेक्टोट्राइकम। तो इसके साथ हमारी चारों टाइप्स ऑफ फंगस कंप्लीट होती हैं, फाइकोमाइसाइट, एस्कोमाइसाइट, बेसिडियोमाइसाइट एंड ड्यूट्रोमाइसाइट। तो इन चारों को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनके कॉमन नेम आपका हो गया एसेक्सुअल, सेक्सुअल, और जो इनकी वेजिटेटिव फेज ऑफ रिप्रोडक्शन है हम वो लिखेंगे, प्लस माइसीलियम इन चारों में किस टाइप का है और आपका एग्जाम्पल। तो ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो हमें चारों फंगस के बारे में पता होना चाहिए।
इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ़ यू लाइक द वीडियोस प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।